प्रीत मुझसे और नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें और सफाई नहीं दे सकता। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलोगे? यही कि हम रोज लड़ते हैं, मैं तुम्हें रोज सफाई देता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और तुमसे भी। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे स्पेस चाहिए। जब मैं अपना करियर अच्छे से बना लूंगा तब हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। जब मैं अपने लाइफ में सक्सेस ही नहीं होऊंगा तो तुम्हें खुश कहां से रखूंगा? अपना ख्याल रखना प्रीत। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया। प्यार और करियर दोनों में से लोग हमेशा करियर को चूज करते हैं, और मैंने भी वही किया। क्या मैंने सही किया? वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो करियर के बीच में प्यार आ गया? रुस्तम, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे शूट पे इतनी सारी लड़कियां आती हैं, तुमने उनसे कभी प्यार नहीं हुआ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। जो हम कैमरे पे करते हैं वो सिर्फ एक एक्ट होता है, और पब्लिक को लगता है हम कितने अच्छे कपल्स हैं। और शायद तुम्हें भी ऐसा लगता हो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, वरना मैं तुम्हें हाँ थोड़ी बोलती। हाँ पता है कैसे हाँ बोला है, इतना पीछे घूमने के बाद हाँ किया है तुमने। हाँ तो अब तुम जाके ऐसे किसी को प्रपोज करोगे तो लगेगा ही ना तुम्हारी पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये दिक्कत है इन्फ्लुएंसर की, सबको लगता है उसकी कितनी गर्लफ्रेंड होगी, बिचारे इसलिए सिंगल रह जाते हैं। हाँ तो दिन भर लड़कियों के साथ घूमोगे तो ऐसे ही होगा। अरे बाबा वो मेरा काम है, तुम फिर से शुरू हो गई। अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, तुम मुझे समझती हो, मेरे इतना ही काफी है। लो कॉफी भी आ गई। दोनों जहां को भूला हूं मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल ने कहा, दिल ने सुना, मैंने तुम्हें दिलबर चुना। सजदे किए मैंने शामों सहे, मांगा है तुमको सदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना हो। अच्छा सुनो, कल ना मेरा शूट है तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज गुस्सा मत होना। कोई बात नहीं, नहीं होंगी गुस्सा, एंड आई नो तुम बिजी रहोगे, बट हाँ अगर टाइम मिले ना तो कॉल जरूर कर लेना। हाँ टाइम मिलेगा तो कर लूंगा कॉल। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ओ भाई स्क्रिप्ट पढ़ ले फिर शूट स्टार्ट करते हैं, वीडियो बढ़िया। ओ भाई कहाँ ध्यान है, और तू फोन में क्या कर रहा है? अच्छा ये 1xbet, इस न्यू ईयर अगर तुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे फॉलो कर 1xbet पे, काफी टाइम से खेल के अर्न कर रहा हूँ, तू भी कर सकता है। अच्छा हाँ, और तू इस एप्लीकेशन में लाइव मैचेस के रिजल्ट देख के तू बैटिंग कर सकता है, और तो और इसमें मंथली कैचिंग मैचेस है, और 2020 भी इसमें स्कोर प्रिडिक्ट करना होता है, जो जीता है उसका हाईएस्ट स्कोर होता है। अगर तुझे क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है तो तेरे लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। सही है ये तो। हाँ और यहाँ पे तू अलग तरीके की गेम भी खेल सकता है, तो जा अभी रजिस्टर कर और मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज कर, तो तुझे मिलेगा 26,000 का कूल बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, और यहाँ पे तू अपनी अर्निंग इजीली विड्रॉ कर सकता है किसी भी पेमेंट मेथड से। अभी करता हूँ रजिस्टर। हाँ भाई कर।
और भाई तो स्क्रिप्ट पढ़ ले यार। हाँ यार। अच्छा सुन, पहला सीन ना ऐसे लेंगे, रुस्तम प्रीत की कॉल है, उसे बोल दे बाद में बात कर लूंगा, अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो प्रीत, वो भी बोल रहा है शूट कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है। हेलो, हो गया तुम्हारा शूट? हाँ हो गया शूट, वो यार आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुमने कुछ खाया? हाँ खा लिया, तुमने खाया? हाँ मैंने भी खा लिया। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, क्या हम कल बात करें, वो एक्चुअली एडिटिंग करनी है और सुबह वीडियो डालनी है। पर रुस्तम तुम आज पूरा दिन बिजी थे, कम से कम थोड़ी देर तो बात कर लो। प्लीज समझो ना, सुबह बात करते हैं। बाय। सब लोग काम करते हैं, ये कैसा काम है तुम्हारा जो तुम्हें एक मिनट तक नहीं मिलता कि किसी को कॉल ही कर लो? ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, सूट की इतनी टेंशन होती है, नहीं दिल करता कॉल करने का। वही तो, दिल करेगा या मन करेगा तभी तो कॉल करोगे, दूसरों की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है ना। और अपनी वीडियोस देखी है, कैसे चिपक चिपक के बनाते हो। वो बस एक एक्ट है। सब पता है मुझे तुम्हारा एक्ट, तुम शूट पे इसीलिए मेरा कॉल नहीं उठाते ना, ताकि उसको पता ना लग जाए कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसे पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें क्या हो गया यार? मुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ रुस्तम, पर मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ दिन भर दिन। दिन में शूट, रात में एडिटिंग, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। यार अभी थोड़ा हार्ड वर्क है यार, एक बार चैनल चल जाए, थोड़े पैसे आने लगे, मैं खुद एक एडिटर रख लूंगा, फिर टाइम मिल जाएगा ना। बट कब तक रुस्तम, कब तक? मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे भी तो टाइम चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं टाइम निकाल लूंगा। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे पूरा दिन बात करो, बट एटलीस्ट दिन में एक कॉल तो कर ही सकती हूँ, मुझे भी फिक्र रहती है तुम्हारी। अच्छा सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। अब चलो, वरना जो टाइम बचा है वो भी लड़ाई में निकल जाएगा। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें हो, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। एक्शन। काजल जो भी उसने तुम्हारे साथ किया ना, बहुत, एक मिनट। हेलो, अभी शूट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ बात। ओके एक्शन एक्शन।
एक बार में समझ में नहीं आता, शूट कर रहा हूं मैं कर। सॉरी कल के लिए, वो पता ही नहीं चला कब सो गया एडिटिंग करते करते। क्या सॉरी यार, तुम्हारा हमेशा का हो गया। मैं पागलों की तरह कॉल करती रहती हूँ, दिन में कॉल करो तो शूट पे, रात में कॉल करो तो बाय, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं थक गई हूँ यार रुस्तम, ऐसे रोज लड़ लड़ के। तो क्या करूँ मैं, मेरे लिए ना मेरा काम सबसे पहले है और मैं रोज रोज ऐसे लड़ नहीं सकता। तो क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती? इंपॉर्टेंट हो यार, लेकिन मेरा काम पहले है और मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। मैं जा रहा हूँ, बाय। रुस्तम, रुस्तम, मेरा प्यार समझ ना आवे तेनू किंज समझावा मैं, मेरे दिल दे अंदर की है तेनू किंज दिखलावा मैं, वे हस के मैं जान दे देवा। अपना ख्याल रखना प्रीत। है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, है फिर क्यों आंखों। भाई चल ले शूट कर दे। क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या रुस्तम थोड़ा आगे हो। काजल तुम थोड़ा साइड हो ना, बस ठीक है ठीक है ठीक है। माइक ऑन है? हाँ ऑन है। एक्शन। ख्याल रखना प्रीत। वो क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहा? एक्शन बोल। चल एक्शन। काजल मुझे याद है वो दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे स्पेस चाहिए। अबे भाई क्या हो गया तुझे, आज तू कैसे बोल रहा है डायलॉग? सही से बोलना। तुम्हारा एक्शन बोल। एक्शन। मुझे माफ कर दो यार, मैंने जो भी उस दिन तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया प्रीत। अबे वो भाई प्रीत नहीं बोलना, काजल बोलना है, काजल नाम है उसका। क्या कर रहा है यार, सही से बोलना यार। पता नहीं क्या हो रहा है अजीब सा, तू दोबारा एक्शन बोल। एक्शन। मुझे माफ कर दो यार, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं वो नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो प्रीत। फिर प्रीत? यार मेरे से नहीं होगा आज, तू शूट कैंसिल कर दे, मैं जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? अबे पर सुन तो,
सॉरी काजल, तुम घर चले जाओ, शूट कल करेंगे। बताओ रुस्तम, तुमने मुझे से नहीं हो पा रहा प्रीत, मुझे नहीं चाहिए स्पेस। मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, उतनी इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ, वो मेरी इतनी केयर करना, शूट के टाइम पे बार बार कॉल करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, वो टाइम के लिए मेरे से लड़ना, वो सब याद आता है प्रीत। मैं तुम्हें नहीं खो सकता प्रीत, मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खो सकता। आई नो रुस्तम, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती, पर मैं एक चीज समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी यही चाहूंगी कि तुम अपने करियर में एक सक्सेसफुल आदमी बनो। मैं तुम्हारे करियर के बीच में कभी नहीं आऊंगी। नहीं प्रीत, लोग कहते हैं ना प्यार और करियर में से करियर को चूज करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्या फायदा उस करियर का जहाँ तुम साथ ना हो, क्या फायदा ऐसे सक्सेस की खुशी का जिस खुशी में तुम साथ ना हो। अगर प्यार को साथ लेके करियर बनाए उसका अलग ही मजा है प्रीत। मानता हूँ टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, और हाँ मेरे से एक प्रॉमिस करो, हम कितना भी लड़े झगड़े लेकिन तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस रुस्तम, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और मैं आज तुमसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे काम के बीच में कभी नहीं आऊंगी। जाने मेरी है, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन। मैनू प्यार है बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वक ना करी। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, हुन तेरे बाजू कौन है मेरा है। तो हे गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, और मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कैसा लगा बताना, प्यार और करियर सबकी लाइफ में जिस जिसने प्यार किया होगा ऐसी सिचुएशन तो आई होगी यार, कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल।